हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं नौ नोटिफिकेशनों को, जो एक साथ आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जिसमें आपका वाइवा संबंधित है, आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश संबंधित है, प्राइवेट स्टूडेंट है जो उनसे संबंधित है, जो प्राइवेट स्टूडेंट के पेपर कब होगा। तो ये पेपर जब आपका सत्र परीक्षाएं स्टार्ट होती है, सेमेस्टर परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, उसके साथ साथ ही अब आपका बैक पेपर का भी एग्जाम होता है। परीक्षा संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उनको देखेंगे, और साथ में कुछ नोटिफिकेशन है जो उनको देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, पूरी एक एक नोटिफिकेशन देखने वाले। पहले सबसे पहले हम देखते हैं जो वाइवा संबंधित नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एमई रक्षा एवं स्ट्रातेजिक अध्ययन और एमएससी रक्षा एवं स्ट्रातेजिक अध्ययन में तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, 23/5/2022 को 12 बजे मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराया जाएगा। समस्त छात्राओं को उपस्थित अनिवार्य है। आपका केंद्र है प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया विश्वविद्यालय। निर्धारित कोड जो निम्नलिखित दिया गया है, यहाँ पर जो कोड दिया गया है आप यहाँ देखिए 4080 और 199 प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया विश्वविद्यालय और सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय लाज प्रतापगढ़। तो ये दोनों सेंटरों में है। अगर आप तो इस सब्जेक्ट से हैं तो आप जो है उपस्थित रहिए 23 तारीख को। दूसरे नोटिफिकेशन है आपका एमए राजनीति विज्ञान प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के समस्त व्यक्तिगत और प्राइवेट। अब यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत भी है, प्राइवेट संस्थागत छात्र छात्राओं को सूचित किया राजनीति विज्ञान के 19/5/2012 के, यानी कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इस दिन आपका ये 11 बजे से मौखिक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तीसरा है आपका एमए संस्कृत तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि संस्कृत विभाग द्वारा 23/5/2022 को 2 बजे मौखिक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समस्त छात्र छात्राओं को उपस्थित होना अनिवार्य है। केंद्र आपको यहाँ पर दिया गया है, आपका कानापुर प्रयागराज में है, टिगरी प्रयागराज, शांति नगर फतेहपुर और खागा फतेहपुर और रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में। कोड आपको यहाँ पर दिया दिखाई दे रहा होगा, ये कोड है आपके जो आपका विद्यालय कोड है जहाँ पर आपकी मौखिक परीक्षा होनी है। उसके बाद अगले नोटिफिकेशन देखते हैं, जिसमें आपको विश्वविद्यालय द्वारा नियमावली के अनुसार से नियमावली के अनुसार आदेशों का 16/5 के पालन विश्वविद्यालय 17/5 से 30/6/2022 तक संबद्ध राजकीय वित्तपोषित 1/6 से 15/7 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है घोषित किया जाता है। उक्त अवकाश इस प्रतिबंध के साथ घोषित किया जाता है, उक्त अवधि विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालय छात्र छात्राओं के आगे आगामी सेमेस्टर का अध्ययन अध्यापन कार्य ऑफलाइन मोड पर निरंतर संपन्न होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षक अध्यापन परीक्षा प्रवेश संबंधित कार्य के लिए किए जाने के लिए एवं महाविद्यालय के स्थिति के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय कुल सचिव द्वारा प्रतिकर वांछित जो अवकाश है वो अनुमन्य अनुमन्य किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन के दौरान परीक्षा में प्रवेश संबंधित कार्यों को शिक्षक के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। तो उसके बाद अगली नोटिफिकेशन हमारी है, अगली नोटिफिकेशन देखते हैं, जिसमें एक दिनांक 20/5/2022 से प्रारंभ हो रही वार्षिक परीक्षाएं सत्र 2021/22 मान्य जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आवश्यक सूचनाएं प्रदत्त की जा रही निम्न के संबंध में, जहाँ पर आपका परीक्षा प्रभारी परीक्षा से मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया हुआ। उसके बाद प्रश्न पत्र के संबंध में पूछताछ यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है। उसके बाद आपका परीक्षा केंद्र उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा संबंधित सामग्री की जानकारी के संबंध में, परीक्षा संबंधित एवं अन्य जानकारी पूछताछ और हेल्प डेस्क जो नंबर है, परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जो है कॉल करके अपने संबंधित जो भी आपको समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। अगले नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देखिए, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत वार्षिक परीक्षा सब 2021/22 हेतु व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र, यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है, जनपद यहाँ पर दिया गया प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। प्रयागराज में जो आपका है कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज प्रयागराज 1001 और भवंस मेहता महाविद्यालय भरवारी कौशाम्बी 3001, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महिला महाविद्यालय फतेहपुर 2060 और हेमवती नंदन बहुगुणा पीजी कॉलेज लालगंज प्रतापगढ़ 4027। तो व्यक्तिगत परीक्षाओं परीक्षार्थियों के प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी उपरोक्त केंद्र से की सूची से अवगत होते हुए परीक्षा में शामिल होने का कष्ट करें और कष्ट करिए, जिससे कि आपका अब बैक पेपर के बाद कोई पेपर आपको ना देना पड़े। अगली नोटिफिकेशन है आपका कार्यालय का जो वार्षिक परीक्षा है आपकी 21/22 परीक्षाएं दिनांक 20 से प्रारंभ हो रही है। तो नोडल केंद्रों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि वो आपका जो निष्पक्ष कार्यवाही हो वहाँ पर करें, और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिस दो दिशा निर्देश मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। परीक्षा कक्ष में मोबाइल अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं अनुचित साधन का प्रयोग किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्र का दायित्व है भली भांत परीक्षण करें, परीक्षार्थी को प्रवेश कक्ष में प्रवेश दें और कोई भी परीक्षार्थी नकल सामग्री कक्ष में न ले जाए। परीक्षा केंद्र अपने संबंधित नोडल केंद्र परीक्षा सामग्री समय से प्राप्त कर लें, निर्धारित समय पर संपन्न कराएं। प्रश्न पत्र के
अध्यक्षों की अवरक्षा में रखे जाए। प्रश्न पत्र की जो संबंधित परीक्षा केंद्र अध्यक्षों की देख रेख को प्राप्त कर प्रश्न पत्र की स्वच्छता सुरक्षा गोपनीयता एवं सुचारू तरीके से प्रेषित किया जाना तथा प्रत्येक कक्ष का दायित्व होगा इस संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखें जिससे कि किसी भी प्रकार परीक्षा गोपनीयता प्रभावित न हो। उत्तर पुस्तिका के समुचित रूप से विधिवत तरीके से उपयोग करते हुए उसे सामग्री को अनिवार्य जो आपका सामग्री लेकर रखे इस प्रकार प्रत्येक छात्र को वेरिफिकेशन सीट भरवा कर अनिवार्य कर रखना अनिवार्य होगा। ये पहले भी एक नोटिफिकेशन इससे संबंधित जारी हुई थी, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ यूनिवर्सिटी जाकर जो भैया यूनिवर्सिटी प्लेलिस्ट बनी उसमें देख सकते हैं, या आप जो नोटिफिकेशन जो निकल रहा है इस नोट से तो वहाँ से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक दिवस की परीक्षाओं संपन्न हो जाने में निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन परीक्षाओं तक संबंध है आप इच्छित जो सूचना प्रेषण किया जाना है जिसका प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है, पहले भी इसको बताया गया है उपलब्ध है, उस पर आपका पूरा डाटा अपलोड करना है। परीक्षा केंद्र में यह दायित्व होगा कि प्रथम पाली परीक्षा है उस पेपर संबंधित नोडल परीक्षा केंद्र प्राप्त किया जाए। प्रत्येक दिवस परीक्षाओं की सभी पालियों का पेपर एक साथ परीक्षा केंद्र को दे नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त जो मिलेगा प्रत्येक पाली की परीक्षा संपन्न हो जाने के पश्चात लिखित उत्तर पुस्तिकाओं संबंधित नोडल केंद्र में जमा किया जाना है। उसके बाद है आपका परीक्षा में सम्मिलित हो रहे जो परीक्षार्थियों को P23 लॉगिन पर रोल लिस्ट के रूप में उपस्थित पत्र तथा वेरिफिकेशन सीट पर उपस्थित दर्ज किया जाना अनिवार्य तथा उनसे सूचना ऑनलाइन भी किया जाना है। यहाँ पर आपका दर्ज करना अनिवार्य है, तो आप भी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो ये छूटे ना कि हमारा कहाँ सिग्नेचर करना है, तो आप सिग्नेचर जरूर करिए और ये छूटने ना पाए। अगली नोटिफिकेशन आप देखते हैं, अगली नोटिफिकेशन आपकी 20/5/2022 से प्रारंभ हो रहे परीक्षा सत्र में सभी परीक्षा केंद्रों एवं नोडल केंद्रों के केंद्राध्यक्षों से अनुरोध है परीक्षा को सफलतापूर्ण कराए जाने हेतु समय समय पर निर्गत शासनादेश की संख्या के तहत आप जो है निर्गत किए गए दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करें जिससे पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाओं का आयोजन किया जा सके तथा प्रत्येक दिवस के संपन्न हुई परीक्षाओं की सूचना 3 जनवरी 2020 के शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रारूप की तीनों पाली की परीक्षा संपन्न किए जाने पश्चात अनिवार्य रूप से शाम 6 बजे तक ऑनलाइन विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें सूचना के शिक्षण निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जा सके। अभी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो आप प्रोफेसर राजेश रज्जू भैया यूनिवर्सिटी पे आइए, यूनिवर्सिटी पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे न्यूज आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रही है, तो नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रही है यहाँ से आपको लगातार 9-10 नोटिफिकेशन है, इनमें अगर जो नोटिफिकेशन आपने नहीं देखा उसको भी देख सकते हैं और जो देखे हैं उनको आप देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो भी दिशा निर्देश है जो भी गाइडलाइंस है इससे संबंधित, तो और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके पास बस आज का केवल बचा है, कल से परीक्षाएं स्टार्ट है, तो आप सभी को बेस्ट विशेष, पेपर ना अच्छे से दीजिए और अच्छे से गेन करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और जो भी जानकारी होगी इस विश्वविद्यालय संबंधित जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होगी इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहेंगे, बाकी वीडियो भी डाउन आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और जो भी आपके आवश्यकता पूर्ण है वो जरूर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।